चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्ज Q2 ऑफ मास स्मॉल m रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज स्मॉल q इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r. द ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2, टाइम पीरियड निकालना है. देखो क्या कह रहा है कि सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, बीच में एक चार्ज रखा हुआ है Q1, और उसके चारों तरफ एक चार्ज घूम रहा है, ठीक है, करेक्ट है, और उस चार्ज की वैल्यू है Q2. तो ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो कोई सेंट्रिपेटल फोर्स लगना चाहिए मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पे घूम सकता है. ये मैंडेटरी कंडीशन है कि एक फोर्स लगना चाहिए हमेशा इंटेंशन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर. तो सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस यहां रेडियस r कह रहा है, ऑर्बिटल रेडियस, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r कह रहा है, ठीक है. और सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, mv स्क्वायर बाय r को mr ओमेगा स्क्वायर भी तो ले सकते हो, याद है ना तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो. ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t होती है, तो ओमेगा की जगह यहां रख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा की जगह वैल्यू रख सकते हैं क्या, m इंटू आर इंटू टू पाई बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, इधर सॉल्व करते हैं हम, m इंटू आर फोर पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. टी स्क्वायर को उधर भेज दो, बाकी राइट साइड के जितने भी टर्म है उसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू आर इंटू फोर पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन के क्यू वन क्यू टू, सही है. तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, अब देखो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन के क्यू वन क्यू टू, सही है. देखो टाइम पीरियड की वैल्यू आई, फोर पाई स्क्वायर यहां भी, फोर पाई स्क्वायर यहां भी, तीन ए सी और डी में फोर पाई पर, एम आर क्यूब एम आर क्यूब एम आर क्यूब यहां है या नहीं है, ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये ही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.